जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इरफान। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 42 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना बता रहा हूं। वैसे दोस्तों प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग का पूरा सीरीज चल रहा है, साइज बाय साइज वीडियो इस चैनल पर बन रहा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में 42 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज मैं आप लोगों को कटिंग करना बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क लगाना है, सीधा मार्क, ब्लाउज का लंबाई है 14.5 इंच, 1 इंच मार्जिन इसमें प्लस करके 15.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। जितना भी ब्लाउज का लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो ये लंबाई का मार्क हो गया। यहाँ शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर का मेजरमेंट है 5.5 और 0.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन 6 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे तो चेस्ट है 42 इंच, आर्म होल डाउन करेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच। अब यहाँ से ये जितना है उतना ही यहाँ मार्क लगाकर इसको सीधा कर लेना है। यहाँ से गले का चौड़ाई का मार्क लगाएंगे, नेक विड्थ 2.5 इंच, 2.5 इंच, नेक डीप गले का लंबाई 8.5, 8.5 इंच। अब यहाँ 2.5 इंच है तो यहाँ 0.5 इंच प्लस करके 3 इंच कर लेंगे, 3 इंच। अब यहाँ से इसको ऐसे गोलाई कर लेना है। यहाँ से चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो चेस्ट है इसका 42 42 इंच, 42 का चौथा हिस्सा 10.5 इंच, 10.5 इंच, और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। यहाँ वेस्ट को 4 से डिवाइड करके मार्क लगाना है तो कमर का मेजरमेंट है 35, 35 इंच, 35 का चौथा हिस्सा करेंगे 9.5 इंच, और यहाँ से 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से इसको हाफ कर लेना है, एक 20 सेंटर लगा लेना है। और यहाँ से मार्क लगाएंगे 4 इंच ऊपर, या फिर 4.25 भी लगा सकते हैं, 4 से 4.25 इंच लगाना है। तो यहाँ से हम लगा रहे हैं 4.25 इंच, 4 इंच 1/4, और इस वाले मार्क को यहाँ स्ट्रेट कर लेना है सीधा। यहाँ टक्स का जो मार्जिन है वो 1 इंच है तो इस 1 इंच को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 0.5 इंच इधर और 0.5 इंच इधर, दोनों तरफ 0.5 इंच। अब यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंच, 1.5 इंच। हम इसको ऐसे सेंटर निकाल देंगे। अब यहां से यहां मिलाना है ऐसे। और अब यहां से यहां मिलाना है। तो बैक का मार्क कंप्लीट हुआ है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद फ्रंट का कटिंग करेंगे। अब यहाँ से एक मार्क लगाना है 0.5 इंच, 0.5 इंच,
ये हाफ इंच मार्जिन है जो हुक आई या फिर काजा बटन के लिए चाहिए, तो ये आधा इंच ऐसे मार्क लगा कर इसको स्ट्रेट कर लेना सीधा। अब इस बैग को इस वाले मार्क में ऐसे बराबर करके रख लेना है और ये मार्क और ये सभी मार्क लगा लेना है। और यहाँ से लंबाई में आधा इंच प्लस कर लेना है, हाफ इंच बढ़ा लेना है, जितना बैग का लंबाई है उससे आधा इंच ज़्यादा रखना है फ्रंट में। तो यहाँ से हाफ इंच हमने प्लस कर लिया। अब ये वाला जो सेंटर है इस सेंटर को यहाँ नीचे लगा लेना है। अब यहाँ से मार्क लगाना है 1 इंच, 1 इंच ऐसे मार्क लगा लेना है और यहाँ से इसको यहाँ इसमें मिला देना है और फिर इसको यहाँ ऊपर से ऐसे इसमें मिला देना है। अब दोस्तों यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा करेंगे तो वेस्ट का मेजरमेंट है 35 35 इंच, 35 का चौथा हिस्सा करेंगे 9.5 इंच और यहाँ से 2 इंच प्लस करेंगे 2 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ से गले का लंबाई का मार्क लगाएंगे तो फ्रंट का गला का मेजरमेंट है 7 इंच 7 इंच, यहाँ है 2.5 इंच तो यहाँ से भी सेम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो भी ऐसे गोलाई कर देना है। अब यहाँ से टक्स का पॉइंट का सेंटर लगाना है तो चेस्ट को 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो सीना है 42 इंच, 42 का चौथा 10.5 और 1 इंच प्लस करेंगे 11.5। अब यहाँ से मार्क लगाना है 4.5 इंच 4.5 इंच। अब यहाँ 4.5 इंच है तो यहाँ से आधा इंच कम कर देना है 4 इंच। और यहाँ से मार्क लगाएंगे 1/2 इंच 1/2 इंच। अब इसको यहाँ से इसमें ऐसे मिलाना है फिर यहाँ से इसमें मिलाना है। अब यहाँ हमने 2 इंच प्लस किया था 2 इंच तो ये वाला 2 इंच जो है ये 2 इंच यहाँ ऐसे मार्क लगा लेना है। ये जो यहाँ हमने 2 इंच लगाया था वो 2 इंच यहाँ मार्क लगा लेना है और इसको यहाँ से ऐसे मार्क लगा लेना है। अब इस बैग को यहाँ से ऐसे बराबर करते हुए रखना है और इस वाले मार्क को यहाँ ऐसे लगा लेना है और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर मार्क लगाना है 1/2 इंच। अब यहाँ से इसमें ऐसे मिला देना है और यहाँ से इसमें मिलाना है। अब ये फ्रंट का मार्क कंप्लीट हुआ, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं।
अब एक पेपर हमने और लिया है और अब इसको, अब देखो दोस्तों ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें हमको अभी सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। तो सिलाई का मार्जिन ऐड करने के लिए इसको ऐसे रख लेना है बराबर करके। और ये सभी मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से दोस्तों सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है 1 सेंटीमीटर, 3 सूत सिलाई के लिए मार्जिन। और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन। ऐसे रखकर इसको सेम मार्क लगा लेंगे। अब ये मार्क कंप्लीट हुआ, यहां हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों फ्रंट कटिंग हो चुका है, ये फाइनल कटिंग है। अब इसका हम बैक का गला भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक कटिंग हो चुका है। अब मैं आप लोगों को स्लीव कटिंग करना बताता हूँ। यहाँ से एक सीधा मार्क लगाएंगे, स्लीव लेंथ है बाजू का लंबाई 6 इंच, 1 इंच मार्जिंग 7 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच, 4 इंच। यहाँ हमने 4 इंच डाउन किया है तो यहाँ से भी 4 इंच ऐसे मार्क लगा लेना है। अब ये जो दोस्तों डाउन करते हैं हम आर्म होल डाउन, ये कैसे करना है इस पर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आर्म होल के हिसाब से कैसे आर्म होल डाउन करना है, कितना में कितना आर्म होल डाउन करना है, पूरा मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ से हम आर्म होल का हाफ लगाएंगे, तो आर्म होल का मेजरमेंट है 17 इंच, 17 का आधा करेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन। बॉटम का विड्थ है 13 इंच, 13 का आधा करेंगे 6.5, 1.5 इंच मार्जिन। अब इसको यहाँ से ऐसे खोल देना है और यहाँ से 1/2 इंच, 1/2 इंच ऐसे शेप में कट करके निकाल देना है। यहाँ से एक एक्स्ट्रा कट लगा देना है, हमको मालूम रहेगा कि ये फ्रंट साइड है। तो 42 साइज 42 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। और भी अलग अलग साइज का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।